अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। काश आप प्यार का मतलब समझ पाती तो शायद आज अभय जी का प्यार मिल जाता, मगर अब आपको केवल उनकी नफरत मिलेगी। समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, गांव की गवार हो तुम। हमने तुम्हें थप्पड़ इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुमने हमरे ऊपर हाथ उठाया, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि तुमने हमरे पति के ऊपर गलत नजर उठाई। फिर तुम जैसी औरतें जो घर को तोड़ना चाहती हैं, उनका तो मुंह तोड़ देना चाहिए। अभय जी ने तुमसे प्यार किया ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने तुमसे शादी करने का सोचा, ये बात तो वो भूल जाएंगे। बेहतर होगा कि तुम भी भूल जाओ। बस ई थप्पड़ याद रखना, काहे कि ई थप्पड़ तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुमरी हद का है। दोबारा हमरे और अभय जी के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। बाहर आंटी, अच्छा हुआ आप आ गई। आपको पता है उस बिंदिया ने क्या किया? मुझे घर से निकाल दिया, थप्पड़ मारा और तो और धमकी भी दी कि अगर मैं इस घर में वापस आई तो मेरा मुंह तोड़ देगी। मेघा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ना है, तुम यहीं रुको। थोड़ी देर में ना लल्ला उसे घर से बाहर निकालेगा, और जैसे बिंदिया ने तुम्हें थप्पड़ मारा है ना, लल्ला भी उसे वैसे ही थप्पड़ मारेगा। तुम बस देखती जाओ, थोड़ी देर में लल्ला तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें इस घर के अंदर लेके जाएगा। तुम यहीं रुको। कांतिलाल भारद्वाज जी के खिलाफ इंस्पेक्टर प्रदीप पांडे जी का रिकॉर्ड स्टेटमेंट हो चुका है। कांतिलाल भारद्वाज जी को दोबारा लॉकअप में डाल दिया जाए। यस सर। अरे अरे ए, पकड़ा। अभय कहाँ है? कमाल है सासुमा, जिस बच्चे को आपने 9 महीने कोख में पाला, जिसके सुख दुख को अपने सुख दुख से हमेशा ऊपर रखा, जिसकी आहट से उसके दिल का हाल जाना, आज उसी बेटे के लिए पूछना पड़ रहा है आपको कि कहाँ है।
जबान बहुत चलने लग गई है ना तेरी, कतरनी पड़ेगी। सच्चाई की जबान को दुनिया की कोई भी कैची नहीं कतर सकती सासू माँ। आप जो भी सोच के आई है ना, उसमें नाकाम ही होंगी। अभय जी ने अपनी आंखों से सब सच देख लिया है, फिर आपकी आपके नाटक का उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, और ना ही आपके आंसुओं की गंगा यमुना अब उन्हें पिघला पाएगी। आपको जितना धोखा देना था उन्हें दे चुकी। चुप कर! हमरे और हमरे बेटे के बीच में आने की ना गलती मत करना। निकल गया, हमें झूठे जाल में फंसाया, और अब हमें ही धोखेबाज कह रही है। हमने झूठे जाल में फंसाया आपको, और नहीं तो का? हमरे लल्ला को पता नहीं का सुना दिया, अरे पता नहीं का दिखा दिया। हम तो अपने पति को देखने के लिए गए थे, उनसे मिलने के लिए गए थे, और तूने पता नहीं का उसके दिमाग में भर दिया। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम अभय जी को उनकी माँ के खिलाफ काहे करेंगे? ये तो तू ही जानती है। हमें तो बस एक ही मकसद दिखता है, तू हमरे लल्ला को ना हमसे दूर करना चाहती है। तभी तो ऐसे धोखेबाजी कर रही है ना उस बेचारे के साथ। वाह सासू माँ, हम समझ गए कि आप ये सब काहे कर रही हैं। पुलिस चौकी में हम वीडियो वाले कैमरे के जरिए आपका सच बाहर लाए, और आपको लग रहा है कि घर में भी हमने कैमरा लगवा दिया है, इसीलिए सराफत की मूर्ति होने का नाटक कर रही है ना। चिंता मत कीजिए सासू माँ, हमने घर में कोई कैमरा नहीं लगवाया है। तो आप अपना असली चेहरा दिखा सकती हैं। थोड़ी देर पहले मेघा जी ने भी हम पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, हमने धर दिया एक पलट के कान के नीचे। पर आप घबराइए मत सासू माँ, हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, काहे कि आप हमारी माई जैसी हैं, और हम माँ के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। खबरदार, हमें माँ कहने की कोशिश भी मत करना। लेकिन मैं तो आपको माँ बोल सकता हूँ ना। क्या करते हैं आप पापा? आप ही से मिलने तो आ रहे थे हम थाने, और आप एक यहाँ रोड। अरे अच्छा हुआ समय रहते आपको देख लिया हमने और खींच लिया गाड़ी के अंदर, नहीं तो अभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए होते ना, तो आपकी दो चार हड्डियां तोड़ देते वो लोग। अभी आप सुरक्षित हैं, पर आपने ये भाग के ना लोकअप से ये सही नहीं किया। भागता नहीं तो क्या करता, विद्या सबके सामने सच्चाई उगलने वाली थी, मेरी भी तुम्हारी अम्मा की भी। मैजिस्ट्रेट के सामने हमरे खिलाफ बयान रिकॉर्ड हो गया है,
कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भागते नहीं तो क्या, जेल में बैठ के भजन कीर्तन करते। आज रात को हिसाब बराबर कर देते। हिसाब? अरे किसका हिसाब, कौन सा हिसाब, कैसा हिसाब पापा? उस पिंडिया का हिसाब आज रात को ही निपटा देते हैं उसे, एक बार वो खत्म, समझो मामला ही खत्म। अरे कैसे करेंगे मामला खत्म पापा? आपको पता है बिंदिया घर पे है, अभय के पास। अरे वहां उस पर हमला करना नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा जुगली। आज रात का ही समय हमारे पास, हमारा करियर, हमारी जिंदगी, हमारा जो कुछ भी जिंदगी में देखा हुआ है सब खत्म कर दी ये लड़की। अगर कल सुबह होने से पहले इस लड़की को अगर रास्ते से हटा दिया, बाकी लोगों को शीशे में उतार देंगे, वरना वो लोग भी ईमान की दुहाई देंगे और काटने को दौड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस बिंदिया का चैप्टर खत्म होने से हम सबकी जिंदगी सेट हो जाएगी? लल्ला, हमरी बात सुन, हमें समझने की कोशिश कर लल्ला। इसने जो भी तुझे दिखाया, जो भी सुनाया, ये सब इसकी चाल है लल्ला। ये हमें फंसाना चाह रही थी लल्ला, हमें तेरी नजरों में गिराना चाह रही थी ये। तू खुद ही सोचना लल्ला, का हम तुझे गलत लगते हैं का? नहीं माँ, आप कुछ गलत कर ही नहीं सकती। मैं जानता हूं कि तुम झूठी नहीं हो, का कह रहे लल्ला? हाँ? अगर ये झूठी ना है तो का हम झूठे हैं? ये जो मेरे साथ हो रहा है ना मां, कि दुनिया के हर शादीशुदा आदमी के साथ होता है। एक तरफ बीवी होती और एक तरफ मां। और मां भी दो तरह की होती है, एक वो जो बिना कुछ मांगे खुशी खुशी चुपचाप अपने बच्चे के लिए जीती रहती है, और एक वो मां जो पूरी जिंदगी अपने बच्चे को ये एहसास दिलाते रहती है कि उसने उसके लिए क्या क्या किया। नहीं लल्ला, हम वैसे वाली माँ नहीं है लल्ला। वो तो परिस्थिति ऐसी आ पड़ी थी, हमें बताना पड़ा कि हमने क्या क्या किया। वैसे वाली माँ नहीं है लल्ला। वैसी परिस्थितियां तो बिंदिया के लिए भी आई थी ना माँ। उसने तो ये नहीं जताया एक बार भी कि उसने हमारे परिवार के लिए क्या क्या किया है। अपने पति के भलाई के लिए चुपचाप सब कुछ सहती रही वो। उसका
इसका मतलब तो यही हुआ ना लल्ला कि तेरी बीवी सही है और तेरी माँ गलत। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं कि आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक का प्यार सच्चा है और एक का प्यार खुदगर्ज। इतना बड़ा हो गया कि तू अपनी मां की परीक्षा लेगा, ये तय करेगा कि तेरी मां का प्यार सच्चा है या खुदगर्ज है। बचपन से अलग अलग तरीके से तूने हमसे बहुत सारे सवाल उठाए कि माँ तू ना जुबली भैया को ज्यादा प्यार करती है, तो हमने तुझे इन हाथों से अपने गले लगा करके दो गुना प्यार किया। जब जब तूने बोला इस घर में खाना पप्पा की पसंद का बनता है, तो हमने तेरी पसंद के 56 भोग टेबल पर सजा दिए। और आज तू हमरे प्यार को तराजू में तोल रहा है। कब तक साबित करे कि हम तुझसे प्यार करते हैं? पर तब तेरे सवालों में प्यार हुआ करता था, पर आज तेरे इन सवालों में सबकी बू आ रही है। ये जानते हुए भी कि तेरी बीवी किस हद तक खेल खेल सकती है, किस हद तक झूठ बोल सकती है, तू अपनी मां को उसके साथ खड़ा कर रहा है। ठीक है ना? हम अपना सच साबित कर रहेंगे। हमें मालूम था कि इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए हम अपने साथ लेकर आए हैं ये जहर। हमारा सच यही है लल्ला कि आज तक हम तेरे ही खातिर जीते आए, और आज जब तुझे अपनी मां पर यकीन ही ना है ना, तो हमरे जीने का कोई शौक ही ना रहा। आज ही हम अपनी जिंदगी ना खत्म कर देंगे इस जहर को पी कर, जहर को पी कर, जहर को पी कर। छोड़ दे, छोड़ो इसे, छोड़ दे, छोड़ो इसे।
ये जहर पीकर आप क्या साबित करना चाहती थी? कि आप मेरे लिए अपनी जान दे सकती हैं? लेकिन मैंने तो आपकी जान मांगी नहीं माँ, मैंने अपना विश्वास मांगा था जो आपने तोड़ा है। लेकिन शायद जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर यही एक रास्ता बचा होता है एक माँ के पास, अपने बेटे का भरोसा जीतने का। लेकिन माँ, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? मैंने तो आपका भरोसा नहीं तोड़ा था ना माँ, तो फिर आपने क्यों तोड़ा? नहीं माँ, नहीं, नहीं, मैंने आज तक आपकी सब बातें सुनी है, सब, और जब जब सुनी है मैंने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ जरूर खोया है।